मैं अपने हॉस्टल का मेस एंड रूम्स दिखलाता हूँ। ये इंडियन मेस जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। आप देख रहे हैं अब फुली इंडियन सब्जी है। इंडियन चपाती है। कैसा खाना लग रहा है? अच्छा टेस्ट है। अच्छा है। कैसे हैं आप? बढ़िया है। आप कहाँ से हैं? बिहार फ्रॉम मुजफ्फरपुर। फ्रॉम मुजफ्फरपुर। किस ईयर में हैं आप? सेकंड ईयर। कैसा फील कर रहे हैं इस हॉस्टल में? बहुत अच्छा। और खाना पीना सब इंडियन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ। थैंक यू। और मैं आपको ये सेपरेट बाथरूम है स्टूडेंट्स के लिए। तीन चार स्टूडेंट्स पे बाथरूम दे दिया गया है। ये देख रहे हैं आप बेसिन है। वॉशिंग मशीन दे दिया गया है। स्टूडेंट्स को अपना कपड़ा वो खुद से नहीं, वो यहाँ पे हैं वो क्लीन करके देते हैं। ये मैं दूसरे रूम में दिखाता हूँ आप सबको। हर एक स्टूडेंट को स्टडी टेबल दे दिया गया है। ये अलमीरा है कपड़ा वपड़ा रखने का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कैसे हो भाई? ठीक है। खाना पीना आप लोग खा लिए? ये होश देख रहे हैं, जैसे फुली वेल फिनिश्ड है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। मैं कुछ स्टूडेंट से ही बात करते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर की दूसरी रूम है। सारे स्टूडेंट से स्टडी कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश वर्मा। अखिलेश वर्मा। अखिलेश जी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी लखनऊ से। लखनऊ यूपी से हैं। किस ईयर में हैं आप? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हैं। कैसा आपका स्टडी जा रहा है? बढ़िया ही जा रहा है। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। क्या पढ़ रहे हैं आप? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। खाना पीना आपने खा लिया? हाँ। FMG Solutions MCI स्क्रीनिंग एग्जाम। आपने अभी से ही MCI के लिए तैयारी में लगे हैं? ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं? पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुशवाहा। आप कहाँ से हैं? यूपी इटावा। आप इटावा यूपी से हैं। आप कौन से सेकेंड ईयर अभी हैं? कैसा फील कर रहे हैं इस हॉस्टल में? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसी जा रही है आपकी? आप फुल इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो रही है। आपका खाना यहाँ पे कैसा मिल रहा है? बढ़िया है, सारा सब कुछ बढ़िया है। हॉस्टल अच्छा है, खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा। यूपी से कुछ स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। आपको किसी भी तरह कोई परेशानी है? नहीं। जैसा देख रहे हैं हर एक स्टूडेंट को स्टडी टेबल दे दिया गया है। VIP चेयर है, VIP बेड है। और मैं आपको दूसरा रूम दिखलाता हूँ। और भी स्टूडेंट्स से हैं। ये सेकंड फ्लोर का कोई डोर है, जैसे देख रहे हैं कि गेस्ट के लिए या फिर कोई स्टूडेंट्स बाहर भी बैठ के कोई बैठना चाहे उसके लिए भी सोफा लगा दिया गया है। फिर सेकंड फ्लोर पे सेम उधर ही सेकंड फ्लोर पे सेम बाथरूम दे दिया गया है। ये दोनों साइड से बेसिन है।
ये आप देख रहे हैं बिल्कुल वीआईपी होटल की तरह है। इसको लॉक फोन कर दिया है। स्टूडेंट्स ये बाहर कवर रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा बाहर रखा गया है। सेम ये 3 बेड का वैसा ही रूम है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्टडी टेबल, वीआईपी चेयर, वीआईपी बेड, ये अलमीरा, हर एक रूम में ऐसा ही फैसिलिटी हमने जो कि अरेंज किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये रूम देखिए आप कैसे हम लोग हर एक रूम में हर एक स्टूडेंट्स को वीआईपी चेयर, स्टडी टेबल, सारी चीज की फैसिलिटी है। इस रूम में कोई नहीं है, लगता खाना खाना गया है। ठीक है, सब ठीक है। जैसा आपने फर्स्ट फ्लोर पे देखा, सेकेंड फ्लोर देखा, ठीक वैसे ही थर्ड फ्लोर पे सेम रूम, सारी फैसिलिटी सेम है। हर एक स्टूडेंट के लिए स्पेशल स्टडी टेबल, हर एक स्टूडेंट को स्टडी टेबल दे दिया गया है, वीआईपी चेयर दिया गया है, सामान रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, ये जैसे कि देख रहे हैं आप, ये कबर्ड है। सारी कबर्ड में ये जो कि लॉक लगा दिया गया है। आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा, सब अच्छे जा रहे हैं। किस ईयर में हैं आप? मैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में है। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, पैथ फिजियो, पैथ एनाटॉमी और थेरेपी जो मेन मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, और इनके लोकल सब्जेक्ट्स रशियन लैंग्वेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है रहने के लिए वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। यहाँ का फूड कैसा मिल रहा है? बिल्कुल इंडियन मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, सब बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइम पे है, टाइम पे मिलता है, और सब कुछ जितने भी खाने जितनी भी जरूरत है उसके हिसाब से आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते थे, स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या है आप लोगों की? जो हम पढ़ते हैं जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में डिलीवर होते हैं, मगर जो हमें जो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है जो हमें बाहर बोलनी है वो हमें रशियन लैंग्वेज है। एक हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं जो कि हम लेते हैं, तो इस तरह ये तकरीबन हमें 5 सेमेस्टर पढ़ाएंगे 2.5 साल, तो तकरीबन जो हम पहले साल पढ़ते हैं इतने में हमें समझ आते, इतने काबिल हो सकते हैं कि हम बाहर बोल लें, यानी कि जुबान का भी कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, वेलकम। ये फिर थर्ड फ्लोर का दूसरा रूम, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जो कि अपने सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं, सारी बुकेज हैं, सेम इंडियन सिलेबस है, जैसा कि हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, पैथोलॉजी, पैथ एनाटॉमी, ये सारी फार्माकोलॉजी सेम टू सेम इंडियन सिलेबस है, सारे सेम अदर रूम लाइक सेम टू सेम, सेम मतलब कि हर स्टूडेंट्स को हर रूम का एक ही फैसिलिटी है। फिर थर्ड फ्लोर पे
दे दिया गया है, बेसिन बाथरूम सारी चीज़ जो कि दे दिया गया है, बिल्कुल एक ही भी गंदगी नहीं है, हॉस्टल्स प्योर क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्टूडेंट्स घर की तरह फील कर रहे हैं।